नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रीट परीक्षा को लेकर अलवर में दूसरी बड़ी कार्रवाई। अलवर जिले की अरावली विहार थाना पुलिस ने एसओजी की सूचना पर रीट एग्जाम में पेपर पास कराने का झांसा देकर रुपए ऐंठने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने का या दोनों आरोपी झांसा दे रहे थे। एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने रैनी निवासी भीम सिंह मीणा और उकेरी थाना रैनी निवासी मूलचंद मीणा को गिरफ्तार किया है। मूलचंद विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर रैनी में कार्यरत है। पुलिस ने इनके पास से कई परीक्षार्थियों के प्रवेश कार्ड, एक स्विफ्ट कार, वेन्यू कार, वसूली की रकम 8,000 और रीट की परीक्षा के कई प्रवेश पत्र बरामद किए हैं। की परीक्षा जो पूरे राजस्थान भर में हो रही है, उसमें काफ़ी जगह एसओजी के इनपुट पर भी और ज़िला पुलिस द्वारा भी जगह जगह पे जो इस तरीके के गिरोह काम कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स को बरगला के चीटिंग कराने के माध्यम से या डमी कैंडिडेट बिठाने के माध्यम से पेपर पास कराने का दावा करके उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं, इसी क्रम में एसओजी के इनपुट पर और एक परिवादी की हमारी कंप्लेंट पर अरावली विहार थाने ने एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक गैंग के दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज ये लोग इस तरीके का झांसा देते थे कि या तो हम तुम्हारा सेंटर बदलवा के, जिस सेंटर पे हमारी जानकारी है उसमें एग्ज़ाम दिला के तुम्हारा एग्ज़ाम पास करा देंगे, और एग्ज़ाम पास कराने के अवैज में कुछ पैसा इनसे लेते थे। जो परिवादी हमारे पास आया, उसने यही बताया कि इस तरीके से मुझे बुलाया है और मुझसे आज इतने पैसे ये लोग मांग रहे हैं, और इसके साथ साथ इनके पास से अभी तक रीट के परीक्षार्थियों के काफ़ी मात्रा में एडमिट कार्ड्स, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में इनसे बरामद हुए हैं। इन दोनों जो अरेस्ट हुए मुजरिमों का नाम, एक का नाम है भीम सिंह मीणा और दूसरे का नाम है मूलचंद मीणा। भीम सिंह जो है वो शराब के ठेके चलाता है और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वाला काम भी करता है, और मूलचंद मीणा जो है वो बिजली विभाग में JN के पद पर कार्यरत है रैनी में। और इनके जो बाकी साथी हैं, ये कैसे प्लान करते थे, आगे क्या क्या इनकी प्लानिंग थी, उसको हम अभी और आज इनको पेश करके PC रिमांड पर लेकर इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मेरी आप लोगों के माध्यम से रीट के सभी परीक्षार्थियों से, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे कांस्टेबल्स के घर वाले, हमारे काफ़ी सारे नोन पर्संस, आप लोगों के नोन पर्संस भी ये एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उन सबको हमारी तरफ से यही अपील रहेगी कि किसी भी इस तरीके के बहकावे में ना आए। ये एग्ज़ाम पूर्ण तरीके से सुरक्षित और सिक्योर्ड है, और अगर आप इस तरीके के बहकावे में आकर कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो आपका कैंडिडेचर भी रद्द किया जा सकता है। आप लोग इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, मेरिट के बेसिस पे तैयारी करें, अच्छा पेपर दें, और अगर आपके पास कोई इस तरीके की सूचना आती है कि इस तरीके का कोई गिरोह या इस तरीके का कोई व्यक्ति आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है, आपके जानने वाले को कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो कंट्रोल रूम पे पुलिस को ज़रूर सूचना दें। हम लोग इस तरीके के गिरोहों को पकड़ेंगे, हम लोग अपनी इंटेलिजेंस टीम से भी लगातार इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों के बेहतर के लिए और एक फेयर एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर ये काम करें और किसी भी बहकावे में ना आएं, कोई गलत कदम ना उठाएं, और इस तरीके के गिरोहों की सूचना जो है वो पुलिस को जल्दी दें। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।